मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या था और हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को कैसे इससे बचा सकते हैं और आप किस तरीके से अपने फैमिली के लोगों को महफूज रख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस एक हकीकतन सीरियसली एक ख़तरनाक बीमारी है, एक ख़तरनाक वायरस है और इसका कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो वाहिद सॉल्यूशन है जिससे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं वो एहतियात है। फ्रांस आज दोपहर 12 बजे कंप्लीटली लॉकडाउन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है और 12 बजे के बाद सड़कों पे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी ताकि लोग बाहर ना निकलें। जो लोग मेरे फैमिली वाले, मेरे लोग जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स की, सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया। मैं रियली ग्रेटफुल उनका और मैं शुरू करता हूँ। ये हुआ कैसे? मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करता हूँ जहाँ पर तकरीबन 40 फ्लोर हैं बिल्डिंग के और वहाँ पर तकरीबन हर नेशनलिटी का आदमी होता है वहाँ पर। और हम वहाँ पर जो लिफ्ट्स हैं वो सब शेयर करते हैं, जो कॉमन स्पेसेस हैं वो शेयर करते हैं। और आपको नहीं पता चला कि 4,000 लोगों में से कोई एक आदमी वहाँ पर आ सकता है। पीपल हु आर वॉचिंग मी दे अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश और फ्रेंच। आई री ट्रांसलेट अगेन बट लेट मी स्पीक इन उर्दू फर्स्ट। तो इसके सिम्टम्स मुझे लास्ट फ्राइडे को आए थे और लास्ट फ्राइडे को मेरे जिस्म में थकन थी, थकावट थी। मैं ये समझा कि शायद ये रूटीन की थकावट है, मसल्स में पेन है और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और इसको मैंने बड़ा लाइट लिया और मैं समझ रहा था शायद ये काम ज़्यादा काम करने की वजह से जिसमें दर्द हो रहा है। लेकिन सैटरडे मॉर्निंग मुझे शदीद खांसी शुरू हुई। खांसी के साथ मेरे पूरी जिस्म में मस्कुलर पेन था, यानी गर्दन में यहाँ से शुरू करके पाँव तक, और शदीद पेन मतलब लाइक जिस तरह क्रैम्प्स होते हैं और शदीद बुखार लाइक 39-40 डिग्री टेम्परेचर। ये सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं कोरोना के। और देन आई टुक माई फैमिली टू हॉस्पिटल एज वेल। दे चेक एवरीबडी, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सेफ एंड दे आस्क मी दैट यू आर इन्फेक्टेड बट स्टे एट होम और अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल आ जाइए। तो सैटरडे मॉर्निंग ठीक गुजर गई, संडे का दिन ठीक गुज़रा, लेकिन संडे की रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा खांसी के साथ खून आना शुरू कर दिया। तब मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस मुझे यहाँ पर ले गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं और आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई जस्ट वॉन्ट शेयर लोगों के साथ कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिस तरीके से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि इसको आप बहुत सीरियस लें, ये मजाक नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस वायरस। मैं फ्रांस में देख रहा हूँ लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं और आज दोपहर 12 बजे के बाद सब लोग घरों पे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। तो
मैं अपने तमाम पाकिस्तानी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग घरों में रहें, घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दें, लोगों से गले मिलना बंद कर दें, क्योंकि ये एक हमारा रवाज है कि हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। बराए मेहरबानी आप लोग फिलहाल ना करें, ये एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशनरी मेजर है। दूसरा ये कि आपके घर में जो अगर कोई काम करने वाली एड या कोई खातून या कोई आदमी अगर काम करने वाला घर में है तो आप उसे विद पे लीव दे दें, क्योंकि अगर वो आपके घर के अलावा दूसरे घरों में भी काम करते हैं तो वो एक घर से दूसरे घर में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकती है खातून। तो आप उसे कह दें कि भाई आप 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए तनख्वाह आपकी ले लें, लेकिन घर पे आराम करें, खुद भी अपने घर की सफाई खुद करें, आप अपने घर को डिसइंफेक्ट खुद करें, और ये सब जो डिसइंफेक्शन वाले जेल्स वगैरह इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, सिंपल ब्लीच को पानी में मिलाकर उससे अपने पूरे घर की सफाई करें और ख़ुद करें, अपने घर वालों को, अपने घर की नॉब्स, अपने घर के दरवाज़े, और बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उनसे तो बिल्कुल गुजारिश है कि घर पर रहें। अगर आप खुद बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में तो एक सेफ़ डिस्टेंस है 1.5 मीटर का, वो आप लोगों के साथ रखें और बिल्कुल एक दूसरे से करीब ना आए। कोई आपको ज़रूरत नहीं है हाथ मिलाने की, करीब आने की, और कोशिश ये करें कि क्लोज्ड स्पेस शेयर ना करें, यानी गाड़ी शेयर ना करें, लिफ्ट, क्योंकि जिस तरह मुझे शक है कि ये एक लिफ्ट से हुआ, लिफ्ट ना लें, और je vais traduire en français après. Merci Inda. Inda, moi je vais traduire en français. Laisse-moi terminer en ourdou et je vais traduire tout ça, l'expérience en français. Moi je suis avec beaucoup de monde. Je vais traduire tout ça en français aussi. Bah, ज़रूरी है कि आप अपने आप को घर में कन्फाइन कर लें, अपनी पूरी फैमिली को अपने घर में बंद कर लें और किसी भी काम के सिलसिले में घर से बाहर ना निकलें। और अगर बहुत ज़रूरत हो आपको घर से बाहर जाने के लिए तो मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहनें, और घर में जो खाने पीने की ज़रूरत की अशियाँ हैं उनका थोड़ा बहुत स्टॉक कर लें। पैनिक बाइंग ना करें, ये ना हो कि आप आधी दुकानें खाली कर लें जिस तरह लोगों ने यहाँ पर किए, बट एक रीज़नेबल क्वांटिटी आपके घर में होनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर दुकानें या बाज़ार में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आपके पास इनफ मटेरियल हो। दूसरा ये कि हाथ धोएं, हर थोड़ी देर बाद सादे साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। अगर आपने खांसना हो तो अपनी कोहनी के अंदर खांसेंगे आप, और तमाम वो लोग जिन्हें थोड़ा बहुत बुखार हो वो डॉक्टर से रजू करें और घर पे रहें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। Maintenant, je vais traduire en français pour mes amis francophones. En fait, ça commençait vendredi soir. Ça commençait avec la fatigue. J'ai senti douleur musculaire et j'ai pensé que c'est juste à cause du travail. Et après, moi, j'ai pensé que c'est juste la douleur musculaire et ça va passer. Mais samedi matin, j'ai eu beaucoup de fièvre, j'ai eu une température de 39-40 degrés et j'ai toussé sans arrêt. Et j'ai eu des douleurs partout, partout. Donc j'ai pris ma famille et tout le monde à l'hôpital et après ils m'ont testé.
Alhamdulillah, donc la famille c'était bien. Mais pour moi, ils sont diagnostiqués, je suis positif pour COVID-19. Alors, donc je vous conseille de rester chez vous. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir du tout. Il faut rester chez vous, quel que soit le besoin. Vous ne sortez pas de chez vous. Si vous avez besoin de faire des courses ou des choses comme ça, portez bien les masques, les gants. Et il ne faut pas sortir avec les gens vulnérables, même pour les grands, c'est risque. Et il faut commander des courses sur Internet si possible. Et restez chez vous. Et je vous remercie tout le monde pour les prières. Et je merci tout le monde. Thank you very much, everybody. Stay safe, stay blessed. Again, आपने इसको सीरियस लेना है. घर के काम खुद करने हैं आपने. घर पे काम करने वालों का आप तनख्वाह समेत छुट्टी लें और 15 दिन के लिए घर में बंद हो जाएं. थैंक यू वेरी मच. सलाम अलैकुम. मर्सी वेरोनिक, मर्सी अ टू द मोंड, मर्सी जुनेद, थैंक यू वेरी मच मथियू रहमान. Merci, merci Inda, merci Amine, and thank you very much, Jawesh. Aapka bahut shukriya, Suhail, merci à toi aussi. Chaudhry saab, aap thode late ho gaye. Merci Amine. À bientôt, moi j'ai bien, Inch'Allah.